हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है, जस्ट आपको अप्लाई करना है, यहां पर आपको जॉब मिल सकती है। तो अप्लाई करने की टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, जिनके लिए आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो। रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswaletbus.xyz। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट दी जाती है, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहे तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नई वैकेंसी है। दोस्तों यहां पर मल्टीपल पोस्ट पर ये वैकेंसी है, एचआर मैनेजर की है, ब्रांच सेल्स मैनेजर की है, अकाउंट मैनेजर की है, रजिस्ट्रेशन मैनेजर की है, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर की है, सीनियर ऑफिसर की है, सेल्स की है, पीओ की है और यहाँ पर क्लर्क की भी है, एमटीएस की भी है, मतलब काफी सारी वैकेंसीज है। कुल मिला के 10,000 से अधिक पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, जस्ट आपका इंटरव्यू रखा गया है। तो सीधी भर्ती है, इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लोकेशन क्या रहेगी, तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की होने वाली है और सैलरी आपको आईसीआईसीआई बैंक के रूल्स के मुताबिक मिलेगी। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अप्लाई करने का प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग है। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 18 साल की एज है मैक्सिमम जो है एज पर रूल्स है। अगर आप दोस्तों 45 साल तक के भी है या फिर अगर आप 55 साल के भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल जीरो है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं मांगे जा रहे। और सबसे अच्छी बात एक और ये है कि दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसीज है। अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, आपको लेकिन सर्च करना होगा तभी आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और ये आईसीआईसीआई बैंक का करियर पोर्टल है। यहाँ पर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं कीवर्ड को डाल करके, अगर सर्च नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आपको वैकेंसीज दे रखी है, यहाँ पर आपको बटन भी दे रखे हैं वैकेंसीज के साथ साथ, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इन्हें आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पर जाकर के। यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज है, इसे चेकआउट कीजिएगा और नीचे आपको अप्लाई करने का बटन दिया गया है, यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट है रजिस्टर कर रखा है आपने तो आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं तो साइन अप पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना है। 4 स्टेप है जिसके कंप्लीट करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर आपको क्वालिफिकेशन देनी है, एक्सपीरियंस है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, उसके बाद जानकारी फिलअप करके फॉर्म को सबमिट करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।